हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड नेज़लॉक, जहाँ पे गाइस पिछली बार हम लोगों ने रूट वन पे म्यूटू को पकड़ा था, विच वॉज अमेजिंग। एंड आई थिंक ऑन द सेकंड रूट वी गॉट साइज़मेटोड। आई एम प्रीटी हैप्पी विद बोथ द पोकेमॉन वी हैव गॉट, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी थी भाई लोगों को। एंड आई टोटली अग्री, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गए नेज़लॉक के रूल्स। एक्चुअली मैंने भी सेरेबी पे जाके बाद में नेज़लॉक के रूल्स देखे थे पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के लिए, क्योंकि नेज़लॉक मैंने ऐसे गेम्स में तो कर रखा है जहाँ पर लाइक पॉप आउट एनकाउंटर्स नहीं होते, ग्रास एनकाउंटर्स होते हैं। तो मैं खुद कन्फ्यूज था यार, मैं कैसे करूँ इसको। तो मैंने रूल्स अपने खुद के बनाए थे, सिंपल से रूल मैंने बनाया था कि एक रूट पर एक ही पोकेमॉन पकड़ूंगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं भाई जो रैंडमाइजर के लिए आते हैं, बस जिनको रैंडमाइज वाला पार्ट पसंद है एंड दे डोंट रियली लाइक द नज़लॉक पार्ट। तो फिर उनके लिए भाई मैंने सोचा कि चलो नज़लॉक भी हो जाएगा, रैंडमाइजर भी हो जाएगा, बट क्लियरली दैट वॉज नॉट राइट, मैं समझता हूँ भाई। तो मैंने कुछ नए सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, हम लोग उनको फॉलो करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे सजेशन देखे, कुछ सजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, लाइक पहला पोकेमॉन जो पॉप आउट करे उसको पकड़ो, नहीं भाई वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भाई, फिर तो हमें ऐसे कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो काफ़ी सारे सजेशंस को लाइक एक साथ मैश करके मैंने एक अच्छा वाला बनाया है, जो कि मेरे को लगता है हमारे लिए सही है, जो कि रैंडमाइजर जिनको पसंद है उनको भी पसंद आएगा, और जिनको नज़लॉक वाला पार्ट पसंद है हार्ड पार्ट उनको भी पसंद आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल गो ऑन अ रूट, मैं देखूंगा कि कितने पोकन पॉप आउट हुए हैं, राइट, मैं देखूंगा कौन कौन से पॉप आउट हुए हैं और मैं देखूंगा मुझे कौन सा चाहिए। अगर मैंने उसे बैटल की, मैं उसे टकराया, मैंने उसे बैटल की, उसको पकड़ लिया, तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम हो गया, और कुछ नहीं पकड़ सकता मैं उस रूट पे। अगर मैं उसके पास जाते जाते किसी और से टकरा गया तो मेरे पास कुछ और चॉइस नहीं है, पर मेरे को उस वाले पोकन को पकड़ना पड़ेगा। और अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे कोई भी पोकन पसंद नहीं आ रहा जो कि पॉप आउट हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर अ एक्सक्लेमेशन मार्क एनकाउंटर और मैं अपना लक ट्राई आउट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क में पता ही नहीं भाई क्या निकलता है। तो लक ट्राई आउट हम लोग अपना कर सकते हैं, और ज़्यादातर मेरा खराब ही निकलता है तो वो खराब ही निकलेगा, बट या वी कैन ट्राई दैट आउट। अगर उसमें हमने कोई पोकन देखा जो हमें पसंद आता है तो हम उसको पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ा तो कोई और चॉइस नहीं है, यू कैन नॉट कैच एनी अदर पोकेमॉन। अगर मैंने उस पोकन से रन कर दिया तो मैं और कोई पोकन नहीं पकड़ सकता उस राउट पे। सो दोज आर द न्यू रूल्स, मुझे कहीं बताना है कि तुम्हें कैसे लग रहे हैं नए रूल्स। आई थिंक दीज रूल शुड बी ओके, मुझे ज़रूर से बता देना भाई। चलो आई थिंक इट इज़ टाइम टू गो। पिछली बार हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, हमें ये देखना है कि भाई हमें कौन सा पोकन मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ हिडन आइटम पड़ेंगे, जार ऑफ फनी, थैंक यू ब्रो। ओके ये ऑनिक्स तो भाई आता ही है, बाई द वे लाइक मैं बता दूँ, ओ सिल्वरली, वेल दिस इज़ नॉट बैड। मैं घास में जाने से पहले बता दूं कि ये मैं यूजू पर खेल रहा हूँ, इसलिए सारे रैंडमाइज सही नहीं है। ओके मेरा जो स्टार्टर इसलिए रैंडमाइज नहीं हुआ है क्योंकि मैं यूजू पर खेल रहा हूँ। अगर मैं निंटेंडो पर खेलता तो शायद से सब सही होता। अगर किसी तुमने किसी और यूट्यूबर का भाई ये देखा है नज़लॉक, तो उससे कंपेयर मत करना, बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट। ओके यहाँ पर सिल्वरली कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं ब्रो। मैं घास के अंदर अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे पॉप आउट एनकाउंटर्स देख लूँ पहले। यहाँ पर मैंने कुछ, ओके यहाँ पर भी भाई कितने सिल्वरली हैं ब्रो, बहुत ज़्यादा ही सिल्वर लिया यहाँ पे, तो उसके अलावा कुछ है नहीं क्या? ये तो ऑडिश है भाई, ऑडिश से ना टकरा जाऊँ मैं। ओके बटरफ्री, फाइन फाइन फाइन, ओ विट व्हाट, ये क्या उड़ रहा है भाई, मोरपी को तो उड़ क्यों रहा है, ओ भाई साहब क्या चल रहा है ये। मेरे को एक पकड़ना है यार, आई मेरे पास अभी कितने हैं भाई, मेरे पास अभी शायद तीन हो गए क्या, तीन तो फिर यार ठीक है, अगर हम चार पाँच लेके चलेंगे, ओ शडिंजा है, अगर हम चार पाँच लेके चलेंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कोई भी कैच नहीं करने वाला हूँ, विच मीन्स कि मैं यहाँ पे वापस आके कैच कर सकता हूँ जब मैं एक जिम बैटल जीत जाऊँ तब। तो फिर एक मेरे को बहुत ही प्यारा सजेशन मिला था कि अभी तुम तीन ही पोकन रखो, उसके बाद तुम पहली जिम जीत लो माइलो वाली, उसके बाद तुम वापस आ सकते हो वाइल्ड एरिया में एंड यू कैन कैच वन मोर पोकेमॉन। तो वो मेरे को सजेशन सही लगा भाई, आई एम गोना फॉलो दैट। माई गॉड मैन, द पोकेमॉन एक्चुअली आर गुड मैन, फ्लाइगॉन वगैरह यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, बट अभी हमें ये सबसे मतलब नहीं है, हम लोग सीधा जान, ओ भाई मैं अगर उसे टकरा जाता, ओ भाई पकड़ना पड़ जाता भाई इधर हमें, ओ ड्यूरालिडन मैन, ब्लास्टोइस, व्हाट द हेक आर यू डूइंग देयर ब्रो, तू कब से फ्लाइंग टाइप पोकन बन गया भाई, ये भाई ब्लास्टोइस नशे में लग रहा है, ओ माय गॉड, तभी तो मज़ा आता है भाई रैंडमाइजर में, वो प्रॉबेबली भाई एक बटरफ्री होगा। ओके तो बटरफ्री का उन लोगों ने रैंडमाइज किया तो वो ब्लास्टोइस आ गया, लॉल, बट वी आर हेयर इन मोटोस्टोक बॉयस, नाइस। तो हम लोग मोटोस्टोक में आ चुके हैं, तो वैसे काफ़ी टाइम है माइलो से लड़ाई कर रहे हैं मैं अभी तो, या काफ़ी टाइम है, तो तीन पोकेमॉन यार काफ़ी पड़ेंगे क्या, क्योंकि अभी मुझे पूरी केव वेव का सिस्टम भी भाई पूरा क्लियर करना है। या मैन लाइक विल दैट बी इनफ, देखते हैं यार, आई थिंक तीन पोकेमॉन शुड बी इनफ मैन, अभी मेरे को थोड़ा लेवल अप भी करना है उन्हें। हे मोटोस्टोक इन ऑल इट्स ग्लोरी, अभी तो यहाँ पे सेरेमनी होगी और वहाँ से हम लोग जाएंगे अपने एडवेंचर पे, अभी एडवेंचर एक्चुअली ऑफिशियली स्टार्ट हुआ नहीं है। हे सोनिया, व्हाट्सअप व्हाट्सअप,
सोनिया हमें थोड़ा सा टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देगी। यहाँ पे हमारी यार किसी से बैटल होती है क्या? आई थिंक टीम रॉकेट बोल रहा हूँ, सॉरी मैं टीम येल के ग्रंट से शायद बैटल होती है, और उनके पास वैसे तो डार्क टाइप्स होते हैं पर आई डोंट थिंक इस बार डार्क टाइप्स होंगे। ऑल्सो मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत है क्या? मैं अभी खरीद लेता हूँ वरना बाद में मैं आऊँगा नहीं ज़्यादा। पोकीबॉल्स आई थिंक आई शुड बाई सम मोर मैन, लाइक पोकेबॉल्स की तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है, पोकेबॉल्स कभी कम नहीं पड़ेंगी। पोशंस भी मुझे खरीद लेना चाहिए, पोशंस बहुत कम पड़ गए थे हमारे पास। पैरालाइज हील्स आई थिंक आई विल बाय सम, और मेरे पास कुछ रिवाइज पड़ी है इनको मैं सेल कर देता हूँ, एक ही पड़ी थी। वेल फाइन, रिवाइज की हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि नज़लॉक है, तो अगर इसमें कोई फोकन फेंट हो जाता है तो मतलब नहीं उसको यूज़ करने का, उसको हमें बॉक्स में रखना है या रिलीज करना है, रिलीज कर सकते हैं हम लोग ऐसे। वेल लेटर्स, आई एम गोइंग टू स्विंग बाय द शॉप व्हाइल आई एम हियर, बट डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर एट द स्टेडियम के, ओकी डोकी। और मैं यहाँ पर थोड़े अपने कपड़े बदल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये टोपा टोपी मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है? मैं बदल रहा हूँ इसको, सर्दी भाई हो रही है पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली काफ़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स हैं और हमें लूटा जा रहा है पूरी तरह से यहाँ पे। ये इतना बुरा नहीं लग रहा, आई थिंक आई एम गोना बाय दिस, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, तो थोड़े नए कपड़े भी हो जाएंगे इसी बहाने। आई थिंक ये ठीक है। ओ भाई 7,000, मैंने पैसे भी नहीं देखे, मैंने खरीद लिया। मेरे को भाई आदत पड़ी हुई है बिना पैसे देखे खरीदने का, क्योंकि अपने मेन अकाउंट में $1,000,000 पड़े हैं हमारे पास। चलो अभी के लिए भाई इतना बहुत है, ठीक है? अभी ज़्यादा पैसे बर्बाद करने लायक नहीं है हम, ठीक है? ओ ये भी इसी दुकान में शॉपिंग कर रही है, नाइस। आई यू हैव टू डू सम शॉपिंग एज वेल, डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर एट द स्टेडियम। कर लूँगा रे, स्टेडियम वीडियम बाद में, पहले शॉपिंग करेगा पून। ये कैप को हटाओ पहले, ये अब बॉय, ये निकले ना मेरे सुनहरे बाल। ओ ये मेरे पास पहले से पड़े थे ग्लासेस, वेल दे लुक गुड, या आई एम गोना कीप दिस अपीरियंस मैन, ऑसम, आई एम लुकिंग बेटर ऑलरेडी। पर अभी हमें बाल भी कटवाने हैं भाई, स्टेडियम में जाने से पहले थोड़ा सा क्या तैयार होना अच्छा रहता है। क्या कराऊँ मैं अपने मेन वाले अकाउंट से, कुछ डिफरेंट कराऊँ क्या? आई थिंक मैंने ये रखा हुआ था उसमें, इस बार मैं कुछ अलग करा लेता हूँ। लॉन्ग हेयर नहीं यार, आई थिंक दिस लुक्स गुड, साइड पार्ट ये सही लग रहा है मेरे को। मम्मी ऐसे बाल कटवाने नहीं देती थी मेरे को, पर अब मैं फाइनली कटवा सकता हूँ। लेट्स गो फॉर दिस बॉयज, या बॉय मैं एकदम शाना बच्चा लग रहा हूँ, क्या बात है भाई, कुछ ज़्यादा ही सुशील नहीं लग रहा हूँ मैं ये। चलो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से। ओह लियोन भाई अभी आ गए परेशान करने के लिए। वन लुक टेल्स मी दैट यू हैव बिकम अ ट्रेनर वर्दी ऑफ दैट एंडोर्समेंट आई गिव यू, थैंक यू बड़ी बॉय। अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है, अभी तो देख पीस ऑफ चारकोल भाई, कुछ काम भी नहीं है इसका। अच्छा वैसे है काम, मैं भूल गया था भाई, अभी हमारे पास स्कॉर्बनी है, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। स्कॉर्बनी वैसे आज हमारा रबूट बन सकता है बिकॉज ये 15 लेवल का हो चुका है, पिछले एपिसोड में 15 लेवल का हो गया था। और हाँ मैं बता दूँ, मैं नहीं कर रहा भाई रिलीज निकल्स को, हालांकि रूल्स अलग थे पिछले एपिसोड में, बट वो भी रूल्स मैंने ही बनाए थे भाई, और मैं उन रूल्स को फॉलो कर रहा था, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ओके? एंड टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारा पहला एनकाउंटर ही था उस वाले रूट पे, वो अलग बात है कि फिर मैं इसको मारा और फिर मैंने बार बार इसी को पकड़ा, पर आखिरकार तो उस टाइम पे रूल डिफरेंट थे, कोई बात नहीं है, अब हम नहीं करेंगे वैसा। ओके बॉयज, इट्स टाइम टू रजिस्टर इन द स्टेडियम इन जिम चैलेंजेस। ओ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ दिस गाय, नाइस, देखो कितनी स्टाइल मर रहा था ये। अच्छा भाई वैसे अभी तक एनिमे में आया है क्या ये? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है भाई, अभी तो चल रहा है ना सीन, वो पूरा गेम से ही चल रहा है भाई। एटर्नेटस आ गया है, डार्केस्ट डे आ गया है भाई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है उसमें, मस्त है जो भी है। पर हाँ मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये वाले कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं, क्योंकि बी आई थी उसमें, और मतलब ऐसे जितने भी जिम लीडर्स हैं वो आए थे उसमें, सो आई थिंक ये भी आया होगा। इसका मेरे को रोल देखना है उसमें क्या होता है। और ऐश को लुकारियो मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐश भाई, अच्छा पोकन पकड़ा तूने इतने सालों बाद, बहुत बढ़िया। पर यूज़ भी कर लिया कर फिर उसको कभी कभी। ओके यूनिफॉर्म नंबर हम लोग क्या रख सकते हैं? ऑफकोर्स आई विल गो फॉर 69 मैन, ऑफकोर्स मैन, इट्स नॉट इवन वर्थ आस्किंग। ओ वेट अ सेकंड, यहाँ पे हमें क्या बीडी से भी इंटरेक्शन करना रहता है क्या? वीडियो मारनी से, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं तो सही। चेयरमैन ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू ब्लू, ओके कुछ नहीं है भाई। चलो थोड़ा आइटम्स कलेक्ट करके चलना पड़ेगा ब्रो, क्योंकि मैं भूल जा रहा हूँ कि ये स्पीड रन नहीं है, ये हमें एक्चुअली सही से खेलना है। क्या मिले? बर्न हील, नाइस। हमें ये सब की ज़रूरत पड़ने वाली है भाई, सो या आई हैव टू कलेक्ट ऑल दिस स्टफ। यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए मे बी, हाँ हिडन आइटम है, क्या है भाई ये? रिपेल। आई डोंट थिंक मैंने अभी तक स्वर्ण शील्ड में रिपेल यूज़ किया है एक्चुअली, रिपेल सुपर रिपेल मैं खरीदता भी नहीं था क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बट यार दिस इज़ द ब्यूटी ड्रॉप इन, वी हैव टू स्टे हियर फॉर अ नाइट। ओ या बॉय, ये वाली स्टोरी के बारे में तो भूल ही गया था यार, इन्होंने ये स्टोरी के बारे में बताया था, कितनी फैसिनेटिंग स्टोरी थी ये। स्वर्ण शील्ड का ये जो वॉरियर था, इसने कैसे बचाया था इस जगह को, इट वाज अमेजिंग मैन, इट वाज फैसिनेटिंग। ओ आई थिंक ये हमारी पहली फाइट होने वाली टीम एल के साथ, या
चलो आई एम अप फॉर द चैलेंज बॉय, आ जा तू। चार चार लोगों से हम लड़ते थे क्या? चार लोग तो भाई बहुत हो जाएंगे। नहीं शायद दो से ही लड़ते थे भाई हम। टीम यल्स ऑल अबाउट हेल्पिन वन वेरी स्पेशल ट्रेनर विन द जिम चैलेंज। ऑलराइट ओके ओके डोंट गेट नॉइजी बॉय। टीम येल के पास अगर कुछ तगड़ा निकल गया ना। ओके गैल्वान चला, नॉट बैड, नॉट दैट बैड ब्रो। पर आई थिंक लेवल ज़्यादा होगी इनके पोकेमोन होगी, सो वी हैव टू लुक आउट फॉर दैट। मेरे निकल्स की लेवल एक्चुअली अभी इतनी ज़्यादा है नहीं भाई, वो इससे एक लेवल कम ही है बल्कि मेरी तो यार। ओके एंशिएंट पावर शुड डू इट मैन, आई थिंक इट शुड, काफ़ी ठीक ठाक डैमेज कर देगा ये। अरे बहुत बढ़िया, अरे यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओ नो 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 नो, बट आई थिंक आई डिफीट दिस गाय नो प्रॉब्लम एंड दिस शुड डू इट। ऑसम, ओ ओ क्या लेवल बढ़ रही भाई सेज की तो, ऑसम। ओके भाई इसका से एक ही बो के मत आए, आई वॉज होपिंग फॉर समथिंग बेटर मैन, आई वॉज होपिंग फॉर अ चैलेंज बॉय। ओके वी हैव वन मोर ट्रेनर, देखते हैं क्या पता इसका कुछ पोकेमोन तगड़ा हो। कोलोसल ओके नथिंग दैट गुड मैन। मेरे को पर स्विच करना पड़ेगा यहाँ पे, आई हैव टू टेक आउट माय अदर पोकेमोन, मेरे को सीएस को निकालना पड़ेगा। हालांकि इसका एंशिएंट पावर, या एंशिएंट पावर इज सुपर इफेक्टिव, शुड वी ट्राई इट आउट। ओके ओके ये क्या करेगा, रैपिड स्पिन, नहीं मरेगा तो नहीं इससे ये। चलो बहुत बढ़िया निकल्स, हैंग इन देयर ब्रो, हैंग इन देयर, शो योर लेजेंडरी पावर ब्रो। एंड देयर वी गो, ओ व्हाट हाउ मैन, भाई क्रिटिकल हिट नहीं चाहिए, थैंक यू, बट हाउ ब्रो, मेरे को डेफिनेटली लगा था कि हो जाएगा बट ना। चलो बहुत बढ़िया टीम येल भाई, रैंडमाइज हो जाए जो भी हो जाए, रहेगी तो पपलू ही। आओ मैन द स्वैंकी सोफिस्टिकेटेड एयर इन हियर हैड मी ऑफ माय गेम, आई कुडंट कीप माय कूल। बहुत अच्छे बहाने बना रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक वी आर गना हैव अ डबल बैटल नाउ, अमेजिंग। हॉप के जो पोकेमोन है अब हमें देखने को मिल जाएंगे इस वाली बैटल के लिए। एक्चुअली मे बी रैंडमाइज ना हो इसके पोकेमोन, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारे अलॉन्ग साइड बैटल कर रहा है। ओह मेल्टन है इसके पास ब्रो, इससे मुझे याद है मेल मेटल आ गया, बट आई डोंट थिंक मैं क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि भाई वो पोकेमोन गो में अगर तुम्हारी 33 लेवल के ऊपर है तभी मिलता है तुम्हें, ऐसा कुछ है शायद से, देखना पड़ेगा। ओके मुझे भाई पोकेमोन सीरियसली एक स्वॉप करना है ब्रो, आई हैव टू टेक आउट माय सेज। ओ वेट व्हाट, सेज के पास वाटर टाइप मूव नहीं है क्या? ओके टाइम टू टेक आउट हॉट शॉट देन। ओके ये भाई बहुत अच्छी बात है कि इसी पर टैंक हो रहे हैं सारे हिट्स ब्रो, मेरे को कुछ भी झेलना नहीं पड़ रहा है। मैं पहले बोल्डोर को मार देता हूँ जिससे इसका काम तमाम हो जाए, हमें इससे ना लड़ना पड़े, क्योंकि मेरे को एक्चुअली इसी का डर है भाई, ये शायद से हमारा काम तमाम कर दे। नाइस देयर वी गो, अब मेल्टन को तो हम फिर हम देख ही लेंगे। यस देयर वी गो बॉयज, हमारा अब हॉट शॉट भाई रबूट बन जाएगा, अमेजिंग। थंडर शॉक, इट एंट नथिंग ब्रो, इट एंट नथिंग, ये क्या मेल्टन ब्रो, नॉइस। एक्चुअली किसी के पास मेल मेटल भी हो सकता है, क्योंकि कोडेड तो है भाई गेम में मेल मेटल, बस था नहीं अभी तक, तो हो सकता है कि कोई मेल मेटल भी निकाल ले। ए बॉय आर हॉट शॉट इज गना गेट इवन हॉटर, या रबूट, यार रबूट का मेरे पास वैसे बहुत सही वाला मॉड है यार, मैं वो लगाता हूँ यार, मैं वो लगा के तुम्हें दिखाता हूँ, आई एम वेरी श्योर तुम्हें पसंद आएगा। अब हम यूजू चला रहे भाई, तो फिर क्यों ना मज़े ले लिए जाएँ थोड़े से, उससे कुछ ब्रेक नहीं होगा और कुछ ऐसा चीटिंग भी नहीं है, बस थोड़ी स्किन बदल जाएगी रबूट की, और भाई ओपी लगेगा भाई, नारुतो फैंस को बहुत पसंद आएगा। आई नो यू ऑल आर टेरिबली क्यूरियस अबाउट द अदर जिम चैलेंजेस, बट यू गॉट अ शो अ बिट ऑफ रेस्ट्रेन, यस मानी सिखा इनको सिखा, थोड़ा संभल के रहना चाहिए ने। दे जस्ट सो कॉट विद वॉन्टिंग टू सपोर्ट मी एंड ऑल दैट, दे टेंड टू गेट अ बिट शर्टी विद अदर जिम चैलेंजेस, सॉरी इफ दे कॉज यू एनी ट्रबल, नो प्रॉब्लम मानी। मानी की डायलॉग मुझे सबसे कम लाइक समझ में आता है, क्योंकि इसका कुछ एक्सेंट अलग ही है और पता नहीं कहाँ की भाई भाषा बोलती है, इंग्लिश ही है पर भाई बहुत अजीब से स्लैंग्स यूज करती है ये, जो कि आई थिंक अमेरिकन या फिर जहाँ की भी है, ये इंग्लैंड का है शायद से गेम, शायद वहाँ के लोग ही समझ पाएँ। मॉर्निंग हॉप, सो दिस इज इट, नाउ माई लेजेंड रियली बिगिंस, नॉट योर लेजेंड ब्रो, माई लेजेंड रियली बिगिंस, तू तो साइड कैरेक्टर है। चलो भैया ओपनिंग सेरेमनी जरा अटेंड कर लिया जाए, और हमारे नए कपड़े देखोगे तुम क्या लिखा है पीछे इसके, भाई बहुत मस्त नंबर लिखवाया मैंने 69, या बॉय देयर वी गो, आई लुक ऑसम। हाँ ओ ओ और जूम इन करो उस पर क्या बात है, हीरोज कैसे हैं सर आप, कैसा कैसा क्या प्लान चल रहा है आपका, सब डिस्ट्रॉय करने का, हाँ
क्या एटेनेटस कहाँ पे है सर आपका? भाई ये रोज ऐसा गंदा वाला, और पियोनी भाई देखो कितना पपलू है भाई। पियोनी बहुत सही बंदा है यार, सही में। भले ही थोड़ा सा लाइक क्रैक हेडेड हो, पर भाई वो बंदा बहुत सही है यार। ओह ऑसम एंट्री, क्या बात है, जिम लीडर्स ओपी। वैसे इसमें हमारा एक अलग जिम लीडर होना चाहिए, क्योंकि मैं पोकन शील्ड खेल रहा हूँ इस बार, तो फिर आई थिंक एक क्या बोलता है, आइस टाइप जिम लीडर होनी चाहिए। हाँ, रॉक की जगह आइस टाइप होनी चाहिए। बड़ा मजा आएगा उसकी जिम देखने में, क्योंकि मैंने देखी नहीं एक्चुअली की कैसी दिखती है। द साइलेंट बॉय ऑफ मिस्ट्री, भाई ये लड़का तो मेरे को कतई नहीं लगा था जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो। यस ये, और यार कितनी प्यारी है मेलोनी, ये तो मतलब FFG का लव है ब्रो। FFG ने अपने डिस्कॉर्ड पर लिख रखा था मेलोनी इज लव, देखते हैं भाई ऐसा क्या लव है। ओ हेयर वी एंटर, ये मेरे ग्लासेस क्या फ्लोट हो रहे हैं क्या भाई? उनकी डंडी कहाँ पे थी? तुमने देखा क्या भाई क्या था अभी? द हेल ब्रो, कम ऑन, व्हाट द हेल? ये क्या मैंने भाई क्या फेविकॉल से चिपका रखे क्या अपनी आंखों में? व्हाट द हेल, यू हैव मेड इट एट लास्ट होप, एंड यू टू ऋषभ, सो यू आर द टू ट्रेनर्स आर चैंपियन एंडोर्स हिमसेल्फ, वेलकम एंड इट्स अ डिलाइट टू मीट यू, आई एम रोज ऑफ कोर्स, यस बॉय वी नो हु यू आर। द चेयरमैन सर्टनली सीम्स टू बी इन हाई स्पिरिट्स, नाउ लिसन क्लोजली यू टू, यू हैव बोथ ओनली जस्ट स्टार्टेड ऑन अ पाथ एज ट्रेनर्स, इफ यू वॉन्ट टू विन यू नीड टू डू मोर देन जस्ट ट्रेन योर पोकेमॉन, यू नीड टू ट्रेन योर सेल्स टू, वी नो दैट बॉय, वी नो दैट। ओके गाइज, इट्स टाइम टू हेड टू टर्फील्ड नाउ। आज का गोल मेरा गाइज ये है कि मैं कम से कम टर्फील्ड तक पहुँच जाऊँ। जिम चैलेंज हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, बिकॉज पूरी केव खत्म करनी है हमें पहले, और हमें लाइक वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो फिर या आई एम गना रीच टर्फील्ड टुडे, नो प्रॉब्लम। ओ थैंक यू, ये फ्लाइंग टैक्सी वाली चीज़ इसने दे दी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग फ्लाई करके कहीं भी अपने पास्ट सिटीज़ में जा सकते हैं, अमेजिंग। थोड़े हिडन आइटम्स हैं जो शायद से मैंने मिस कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ पोकल्स रखी तो रहती हैं जहाँ तक मुझे याद है, इसके आसपास कुछ तो रहता है, या फिर यहाँ पे कुछ तो भी रहता है। व्हाट शुड आई डू, क्या कैन आई हेल्प? हाँ, इस बच्चे को कुछ तो चाहिए था हेल्प। यू विल हेल्प मी लुक फॉर मिंचिनो, अरे हाँ इसका मिंचिनो खो गया था, पर मेरे को याद नहीं है कि कहाँ पर है वो। शुड आई एक्चुअली हेल्प हिम, कर सकते वैसे हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कहीं नीचे साइड में मैंने उसको देखा था, कहीं तो कोई पानी के पास होता है भाई मिंचिनो, जहाँ तक मुझे याद है यहीं पर होना चाहिए कहीं पर। थ्री ग्रेट बॉल्स, थैंक यू वेरी मच नीडेड मैन। अच्छा उसने वैसे सीटी बजाने को बोला था इधर आके, हाँ मे बी यहाँ पर हमें उसकी आवाज़ आ जाए। वैसे ये बिल्डिंग कौन सी थी यार, इस पर तो मैंने कभी नोटिस किया नहीं कि क्या है। देखता हूँ जरा मैं कि कपड़े की दुकान है क्या है भाई ये, व्हाट इज़ दिस, वेलकम। अच्छा यूनिफॉर्म शॉप है, ओके ओके ओके, यहाँ पर सारे जिम्स के यूनिफॉर्म मिलते हैं भाई। दीज लुक गुड मैन, काफ़ी सही लग रही हैं, महंगी बहुत है पर है मस्त यार। ओके मैंने भाई बहुत सीटी बजा ली, मेरे को नहीं मिल रहा है वो, होगा तो आ जाएगा तेरे पास, नहीं तो भाई जान दे उसको। चल भाई ऑफ एडवेंचर चालू करते हैं अपन अपना। ओ बैटल, चल भाई बैटल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। तू बोल रहा है मैं बैटल ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हील करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत थी। तो तीन बोकन वर्सेस तीन बोकन होने वाले भाई। राइचू इसके पास आ चुका है, जो कि इसके पास पहले बिल्कुल भी नहीं था। ओ भाई 11 लेवल का हो गया इसकी पोकेमॉन, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल अप करना पड़ेगा मैन। आई थिंक आई हैव टू लेवल अप अ बिट मोर, कि ये तो मैं पीछे थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा हूँ ब्रो। हालांकि मेरा रपूट काफ़ी अच्छी लेवल का है, बट दीज गाइज आर एक्चुअली वेरी लो लेवल। ओके आई एम गोना गो फॉर कन्फ्यूजन, आई थिंक कन्फ्यूजन से इसका काम तमाम हो जाएगा भाई। विल इट दे, मेरे को लगा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये दिस कन्फ्यूजन से वेट, वो ओ माई गॉड हॉप, भाई तू ऐसा करेगा मेरे साथ ब्रो, कम ऑन मैन। या थैंक यू, अगर इसका हिट पहले लग जाता तो शायद मेरी लग जाती। ओके सीरियसली गाना स्विच नाउ, पहले देख लेते हैं कि ओके सीरियसली गाना स्विच नाउ, पर पहले देख लेते हैं कि क्या निकालने वाला है, क्या निकाल रहा है भाई तू, क्या निकाल रहा है। ओके 12 लेवल के हो गए लोग, बहुत ही बढ़िया। मड शॉट, अरे ये सीख रहा है तू, बहुत बढ़िया अटैक यार, क्या बात है। वीजिंग आ रहा है क्या, वीजिंग, हाँ वीजिंग, अब कौन सा वाला आ रहा है ये नहीं पता मेरे को। मैं करंट पोकन रखने वाला हूँ ये, अच्छा ये वाला है क्या? आई मीन यू कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ डैमेज विद कन्फ्यूजन, बट फिर भी माई निकल्स इज लोअर लेवल, आई थिंक लोअर लेवल का है क्या? नहीं, ओके फाइन, अच्छी लेवल का है भाई, निकल्स भी हमारा 12 लेवल का ही है। पर इसके हर पोकन एक HP पे कैसे रुक जाते हैं भाई, मतलब हद होती है। क्लियर स्मॉक कर ले भाई तू, कर ले, कौन फर्क नहीं पड़ता हमका। एंड वन मोर कन्फ्यूजन बॉय, औसम, अब आएगा इसका भाई मेन पोकेमॉन, जो कि होगा 15-16 लेवल का।
ओह माय गॉड, दैट इज गोना बी अमेजिंग। ओह 17 लेवल का हो गया हॉटशॉट, अमेजिंग भाई अमेजिंग। वाइल्ड प्लूम निकाल रही है, वाइल्ड प्लूम क्या बात है यार। वाइल्ड प्लूम तो हम ऐसे ही हरा देंगे, 1-8 कर देंगे हम यार। आजा भाई हॉटशॉट, इसको जरा 1-8 किया जाए, क्या बोलता है? अभी तक एम्बर ही है इसके पास। लॉल मैन, इसको कोई अच्छा वाला फ्लेम अटैक मिला नहीं है एक्चुअली अभी। ओह बहुत ही बढ़िया, दैट बर्न वॉज सुपर। ओह हो, ओके आई थिंक ये बर्न से मर जाएगा भाई। या ही इज गोना डाई विद बर्न मैन। ओह व्हाट भाई, कितना लकी है यार ये, कितना लकी है भाई, मर ही नहीं रहा है भाई ये तो। कोई बात नहीं भाई, इस बार हो गया इसका काम, बहुत ही बढ़िया। जीजी ओपी बॉयज, जीजी ओपी, हमने सक्सेसफुली 3 बार तो हराई दिया है आपको। यू नीड ट्रेनिंग मैन, यू सीरियसली नीड सम ट्रेनिंग। कुछ नहीं, पोकर पकड़ के ला, ठीक है। चलो भैया हील करके यहाँ से निकला जाए। ओ ओ ओ ओ, सेंटिस स्कॉच आ रहा है यहाँ पे, मेरे को कुछ नहीं पकड़ना भाई सीरियसली। पोकन तो अच्छे आ रहे हैं पर मेरे को पकड़ना कुछ भी नहीं है अभी। ओके इससे बैटल कर लेते हैं ब्रो, देख लेता हूँ जरा इस रूट पे क्या क्या आ रहे हैं और मैं बाद में फिर ट्राई आउट कर सकता हूँ। ओ माई गॉड, गोलर्क, गोलर्क इन द हाउस मैन। मेरे पास यार आई डोंट थिंक कोई पोकन है भी जो इसको आराम से हरा सकता है मेरे को भाई। इस वाले में तो रिस्क लेना पड़ेगा और मैं रिस्क ले भी गलत बंदे के साथ रहा हूँ भाई। मेरे को निकल्स को तो हटा ही देना चाहिए भाई। यार इसकी वीकनेस तो काफ़ी सारी है पर मेरे को लग रहा है कि मैं यार ये वाले फंस सकता हूँ यार, क्योंकि निकल्स को ये आराम से मार सकते हैं क्योंकि ये घोस्ट टाइप है। हॉटशॉट को भी मार सकते हैं क्योंकि वो ग्राउंड टाइप है। सेज को हम लोग निकाल सकते हैं पर सेज के पास कोई अच्छा अटैक नहीं है यार। आई सीरियसली डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। मैं सेज को निकालने वाला हूँ एंड आई विल जस्ट होप, लेट्स जस्ट होप कि कुछ गलती ना हो भाई। ओके कोई मरे ना, अभी मैं किसी को नहीं मरवाना चाहता भाई फिलहाल। ओके दैट वॉज नॉट दैट बैड। पहली बात तो हम लोग एसिड के लिए जाते हैं एंड होपफुली ये भाई पॉइजन हो जाए। कम ऑन मैन, जस्ट गिव मी सम पॉइजन ब्रो, भाई पॉइजन हो जा प्लीज, प्लीज पॉइजन हो जा तू, हाँ प्लीज हो जा भाई। ओ माय गॉड, इसने मेरी काफ़ी एक्चुअली हेल्थ कम कर दी है। आई शुड गो फॉर अ पोशन, या नहीं तो भाई ये गया काम से। ओके ये हमारी पहली खतरनाक वाली बैटल है एक्चुअली, क्योंकि इसका पोकन भाई थोड़ा खतरनाक आ गया। हमारे पास कोई टाइप नहीं है इसको हराने के लिए, हमें यार एक फेरी टाइप जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा भाई, क्योंकि फिर दिक्कत आ रही है ऐसे तो। मड स्लैप ही हमें यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल टाइप अटैक्स तो कहाँ ही काम करेंगे इस पर। ओ माई गॉड दैट वॉज इफेक्टिव ब्रो, दैट वॉज एक्चुअली प्रिटी गुड, दैट वॉज वेरी गुड। चलो फिर तो बहुत बढ़िया यार, मेरे को लगा नहीं था इतनी आसानी से हम लोग हरा पाएंगे इसको। तूने तो थोड़ा डरा ही दिया था मुझे। हूफ मैन, ओ क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉरफिश मचोक। ओ माई गॉड द पोकेमॉन हेयर आर ऑसम। ओहो मैं ज़रूर पक्के से किसी से टकराऊंगा भाई। ओ भाई बच गया मैं। ओके मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ बट आई डोंट वांट टू मैन, सीरियसली आई थिंक मैं वो रूल के साथ ही जाने वाला हूँ। ओह मैंने हील नहीं किया ना, हाँ अभी हील नहीं किया मैंने। इसका तो कैटरपी है, नथिंग मच, इसको तो हम ऐसे ही हरा देंगे। अमेजिंग, इसको मेरे को हराना है ज़रा। और ओह सामने सोनिया भी है वैसे, या यू विल टॉक टू सोनिया देन। और भाई स्कूल बॉय मार्विन कहाँ है भैया तुम्हारे, अरे मचो क्या तुम्हारे पास, क्या बात है इसी रूट से पकड़े हो का, कन्फ्यूजिया देंगे हम तुम्हें, बताए दे रहे हैं हम। ए बेटे बहुत ही उम्दा क्या, ए वेट क्या निकल रहा है, मैंने पढ़ा नहीं भाई सही से चार जबक, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए भाई सही से, नहीं तो मैं इतना बुरा फंसूंगा ना इस गेम में तो। या स्कूल बाय मार्विन, या आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर स्कूल राइट नाउ। ए व्हाट्सअप सोनिया, You looked real ace out there during the opening ceremony. I did, right? कितना मस्त लग रहा था। Who but Fizz Hop? I think he went on ahead, yeah. He can't sit still at all, can he? बिल्कुल भी नहीं। बेटा ऐसा दौड़ता है ना वो। You see that building over there? It's a company owned by Chairman Rose. Is it now? Just past Route 3, there's a mine where they dig up ore. That building over there processes it into energy. Okay. अच्छा रहता अगर हमको ये लोग लाइक ऐसे जाने देते उस वाली बिल्डिंग में, क्या पता हमें कुछ मस्त सा सीक्रेट पता चल जाता पहले से ही एटरनेटर्स वगैरह के बारे में, बट ऐसे उन्होंने किया नहीं। इट वुड बी अमेजिंग मैन अगर ऐसे करने देते तो भाई मज़ा आता। इन द वर्ड्स द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द गैला रीजन विथ इट्स एनर्जी टू हेयर अ लिटिल समथिंग फॉर हैविंग अ चिंग वैक विथ मी, इट्स एन एस्केप रोप। मैं तो ज़्यादा बात करना चाहता नहीं हूँ तो इससे, पर अगर तू कहीं भी टपक जाती तो क्या कर सकते हैं। रिवाइव, नाइस। ओ इंटेलियन आ रहा है यहाँ पे, ओ माय गॉड। ओके तो इस रूट पे भाई पूरा इंटेलियन ही इंटेलियंस हैं, दैट्स अमेजिंग।
दैट्स एक्चुअली अमेजिंग, क्या बात है यार, ये तो मतलब अगर मेरे को वाटर टाइप चाहिए तो बेस्ट जगह है भाई ये तो। आई थिंक मैं इस रूट पे इंटेलियन पकड़ने वाला हूँ, एक जिम को हराने के बाद आई थिंक आई एम गोना कैच इंटेलियन, क्योंकि वाटर टाइप गाइज मुझे चाहिए। और स्नाइप शॉट का अटैक है यार इसका ब्रो, मस्त ओपी अटैक है भाई। ओके डिसाइडेड मैन, अभी मैं फिलहाल नहीं पकड़ूंगा कुछ भी अपने वाइल्ड एरिया से, अभी मैं फिलहाल इंटेलियन के लिए जाने वाला हूँ आफ्टर डिफीटिंग द जिम। ओ इंसिनेरोर भाई, ओ यार क्या सही लग रहा है, मैंने इंसिनेरोर अभी तक देखा नहीं था यार इस गेम में, पर क्या तगड़ा लग रहा है भाई। आई वॉन्ट वन मैन सन एंड मून से भाई लेके नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल सन एंड मून नहीं था, 3DS नहीं था मेरे पास, बट लेके आता भाई मैं ज़रूर से अगर मेरे पास होता तो। क्या तगड़ा लग रहा है, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि भाई मतलब तुम इसको ऑप्टेन कर सकते हो उस गेम में, लाइक इसको कोड कर रखा है मतलब इन्होंने, बस पोकेडेक्स में नहीं है ये, क्या बात है। क्लेफा भी है इसके पास, ओके आने दो क्लेफा को आने दो, एंड दैट शुड डू फॉर क्लेफा, दे वी गो ऑसम। ए थैंक यू फॉर द पोकेबॉल बीट अप, नाइस यार। वैसे ट्री एनकाउंटर्स भी तो चेंज हो जाएंगे ना, मैं करना नहीं चाहता हूँ अगर मैंने यहाँ इस रूट पे लाइक ये ट्री वाला एनकाउंटर किया तो फिर मैं यहाँ पे इंटेलियन को नहीं पकड़ पाऊंगा, तो मैं बस आराम आराम से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इंटेलियंस हाँ बस उधर देखो तुम, मुझे तुम्हें अभी नहीं पकड़ना है, नहीं तो बाद में कैसे पकड़ूंगा मैं। यम्पर चलो बहुत बढ़िया, मैं सोच रहा हूँ अभी म्यूटू को मैं स्विच कर लेता हूँ और मैं सेज या फिर हॉटशॉट को निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया म्यूटू को। मैं लाइक ये सोच रहा था कि मैं इसको थोड़ा लेवल अप कर लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको आगे रख रखा था, बट आई थिंक इट इज़ टाइम टू स्विच नाउ, हम लोग को ये पोकन यूज़ करते हैं। साइको कट बहुत ही प्यारा अटैक है यार, मैं क्या हटाऊँ, स्विफ्ट हटा सकता हूँ मैं, या आई थिंक आई एम गोना गो फॉर स्विफ्ट, इसको हटाते हैं ज़रा, लेट मी जस्ट स्विच ब्रो, आई थिंक आई एम गोना टेक आउट हॉटशॉट यार, हॉटशॉट को निकालता हूँ। और हाँ मैं तुम लोग को बता रहा था ना मैं स्किन दिखाने वाला था गाइज, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ यार, ये पोकन यहाँ पर टेंट भी है अपने, हम भी अपने तंबू लगाएंगे और मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई कितना सही लगता है हमारा फिर रबूट, इट्स कैन बी अमेजिंग ब्रो। लेट मी जस्ट इंस्टॉल दैट मॉड प्रीटी क्विक, ओके बॉयज वी आर बैक, लेट अस सी, मैंने वो मॉड सही से इंस्टॉल किया होगा तो दिख जाएगा। ओ यस देयर इट इज़, भाई कितना सही लगता है। ओके पोकन का मैं पहली बार खोल रहा हूँ क्या, बट या देर इज आर काशी रबूट, ए रबूट AKA काशी इधर आ, क्या सही लग रहा है भाई, देख रहे हो तुम शेरिंगन वरिंगन सब है भाई इसके पास, क्या भाई मांगे क्या शेरिंगन भाई, कामुई मस्त लग रहा है भाई, क्या सही लग रहा है भाई, ऑसम ब्रो, इट्स फ्रीकिंग ऑसम मैन। जितने भी नारुतो फैंस हैं हिट लाइक मैन, लाइक दिस थिंग इज अमेजिंग ब्रो, जिसने भी बनाया ना भाई बहुत तगड़ा बनाया यार। तो मैं इसको रखने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या भाई, मतलब जब तक ये सिंड्रेस नहीं बन जाता, सिंड्रेस बन जाएगा तो फिर ही वोंट हैव एनी स्किन्स अनफॉर्चुनेटली, नॉर्मल सिंड्रेस रहेगा, बट क्या सही लगता है भाई ये बंदा, बहुत सही लगता है भाई। इसी बात पर थोड़ा खाना पका लिया जाए अपने नए काशी रबूट के लिए, थोड़ा खाना तो बनता है ब्रो, और हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं तो अब भाई एक ऑरेंज बेरी और एक क्या टिंटो बेरी या जो भी है ये, इसी से हमें बनाना पड़ेगा, सैड लाइफ एंड वी आर डन। लेट्स सी भाई कैसी करी बनी है, बेकार ही बनी होगा भाई, दो बेरी मिला के बनाई है तो भाई अब क्या ही बनेगा उससे, स्पाइसी करी या पता नहीं करी भाई बनी भी कैसे भाई, बेरीज को मिला के कौन सी करी बनती है भाई पता नहीं यार, पर देखते हैं इनको कैसी लगती है, लग तो बढ़िया ही रही है, चलो बढ़िया बढ़िया। काकाशी को अच्छी लगी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, वाह भाई वर्व ऑफ हेड क्लास मिल गई, नॉट एक्सपेक्टेड मैन रियली, बट ओके एटलीस्ट माई रबूट इंजॉयड इट, सो दैट्स वॉट आई केयर अबाउट। आजा भाई थोड़ा सा खेलेगा तू, विल यू फेच माई बॉल, गो बॉय डू इट बॉय, देख रहे हो काशी का स्वैग देखो तुम भाई, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ही डज नॉट प्ले विद किड्स टॉयज मैन, ही हैज टू सेव द विलेज। चलो बहुत बढ़िया, आई होप यू गाइस लाइक इट मैन, काफी सही लगता है रबूट इस कॉस्ट्यूम में, और हाँ ऑफकोर्स भाई जब हम उसको बैटल में निकालेंगे तो भी बहुत सही लगेगा। मेरे को तो एक चीज देखनी थी कि आइल ऑफ आर्मर में जब हम लोग जाएंगे ना और वहाँ पे जब हम लोग घूमेंगे हमारे पीछे पीछे आएगा ये, तो भाई ओवरवर्ल्ड में कैसे लगेगा यार, इसमें हम लोग नहीं देख सकते अनफॉर्चुनेटली। चलो वो तो फिर जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तभी पता चलेगा, वील डू दैट आफ्टर फिनिशिंग द मेन गेम। ए What's up, buddy? तो ये वाली जो सीरीज है ये भी एक्चुअली काफ़ी लंबी चलने वाली है, नॉट एज लॉन्ग एज अ मेन सीरीज क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी कट्स लेंगे, बट फिर भी काफ़ी सही चलने वाली है ब्रो ये। फ्लेम चार्जर ये मिला ना मस्त चीज़ भाई, यही तो चाहिए था अपने को ब्रो। ओके एम्बर हटा दूँ क्या मैं, भाई मैं सही बताऊँ मैं एम्बर यूज़ भी नहीं करने वाला फ्लेम चार्ज के बाद, सो वाई इवन कीप इट राइट, लेट्स रिमूव इट एंड गेट फ्लेम चार्ज। हेयर पोज माई फ्लेम चार्ज, ओ नाइस क्या बात है, जी जी मैन, ओ मोर इंटेलियंस, नाइस नाइस,
अपना काम करो तुम मजे से, मेरे पीछे मत पड़ना बस, जिससे मैं शांति से यहाँ से निकल सकूँ, बाद में पकड़ूंगा तुम लोग को मैं। और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द केव, हील करके भाई चलते हैं। मैं जैसे कि प्रॉमिस किया था, मैं कम से कम भाई आज टर्फील्ड तक पहुंच जाऊंगा। हम लोग जिम को डिफीट नहीं करेंगे आज। ओ ओ बाप रे भाई, क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? सरीना को देखा मैंने, हीट मोर को देखा, अरे बाप रे, इतनी छोटी सी जगह में इतने बड़े पोकेमॉन मैन। ओके, ये बंदा ऑफकोर्स नहीं हुआ रैंडमाइज, आई कैन अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि भाई फिर रेलों पर कौन दौड़ेगा, राइट? बट नो प्रॉब्लम, इनसे हम लोग लड़ सकते हैं। वर्कर कीथ के पास है लैपरस, ओ माई गॉड, लेट्स स्विच मैन, लेट अस डेफिनेटली स्विच आर पोकेमॉन। क्या करेगा तू? वाटर गन भाई, मेरे को पता ही था इसलिए मैंने अच्छे स्विच कर लिया भाई, नहीं तो मेरी तो लग जाती यार। एंड देयर गोज लैपरस, ऑसम। एंड दैट वाज इट फॉर वर्कर कीथ। यहाँ पर भी आई थिंक कोई ट्रेनर तो रहता है या फिर कोई पोकेबॉल रहती है, वॉट इज इट? ईदर वन विल वर्क। अच्छा हाँ, यहाँ पर बाहर जाके एक पोकेबॉल जरूर रहती थी, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। रॉक ब्लास्ट, क्या बात है। ओ इधर भी तो छुपी बैठी है पोकेबॉल, ये क्रीड बॉल्स, ऑसम। ओ अभी मुझे याद है भाई, यहाँ पे तो शायद हमारे बीडी से लड़ाई होने वाली है ना, या फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक हमारी बीडी से लड़ाई होने वाली है, ऑसम। ओ वेट व्हाट, ओके यहाँ पे ये भी आता है क्या, क्या बोलते हैं इसको, नेबी, इसको एश नेबी बुलाता था, क्या नाम था इसका, कॉस्मियम था क्या, लाइक बीच वाला इवोल्यूशन है ये, उसके बाद फिर वो लाइक पहले तो कॉस्मोग रहता है, फिर उसके बाद ये बनता है, फिर उसके बाद सोलगाली और डूनाला बनता है। कॉस्मियम था शायद से, आई थिंक कॉस्मियम था उसका नाम, बट वो भी मिल रहा है भाई यहाँ पे, क्या बात है। इसको इवॉल्व करके भाई मस्त सा सोलगाली और लूनाला मिल सकता है, आई थिंक लूनाला मिलेगा हमें इसमें, बिकॉज ये हमारा स्वॉर्ड वर्जन है, वो शील वर्जन है, फिर तो मज़े आ जाएंगे ब्रो, ये तो फिर तो मज़े आ जाएंगे। अब मेरे को फिर से डिसाइड करना पड़ेगा मुझे क्या पकड़ना है भाई यार जिम के बाद। हाँ चलो देखते हैं भाई, वो तो फिर देखेंगे यार, थोड़ा और डिसाइड करेंगे। तुम लोग मुझे बताओ भाई, मेरे पास अभी दो चॉइसेस हैं, या तो नहीं, एक्चुअली तीन चॉइसेस हैं मेरे पास यार। तो मैं सिल्वली पकड़ सकता हूँ, मैं इंटेलियन पकड़ सकता हूँ, या फिर मैं ये कॉस्मियम पकड़ सकता हूँ, मुझे क्या पकड़ना चाहिए? तो भाई तुम बताओ यार, मुझे किसके साथ जाना चाहिए? आई थिंक मैं कॉस्मियम के साथ जाऊँगा ज़्यादातर, पर तुम लोग जो बोलोगे उसके हिसाब से फिर मैं थोड़ा बहुत और डिसाइड कर लूँगा, तो बताना ज़रूर से। ओ भाई कितना टाइपिंग है यहाँ पर यार, कितने टाइप के पोकेमॉन आएंगे भाई, कितने टाइप के पोकेमॉन आएंगे भाई, मतलब आते ही जा रहे हैं नए नए टाइप के पोकेमॉन यहाँ पे भाई। मैं नहीं 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 गलती से भी किसी से टच नहीं होना चाहता, कॉस्मियम पकड़ने का बढ़िया वाला चांस हमारा चला जाएगा, नहीं तो निकल यहाँ से चल। हाँ बढ़िया, एक सेकंड पहले मैं इसे बस बैटल कर लूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ भाई। सेरिना है, पता नहीं स्कैवलियर वगैरह क्या क्या आ रहा है भाई। ओ भाई साहब ड्रैम्पा निकाल लिया इसने तो, ओ माई गुडनेस ब्रो, द चाइनीज ड्रैगन। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा काकाशी काम कर देगा, कामुई कर देगा चोजे वो। और वैसे तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा कामुई का काशी क्या चल रही है, तो भाई नारुतो जाके देखो, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ नारुतो देखो नारुतो देखो, फिर भी तुम नहीं देखते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? नारुतो जाके देखो तुम्हें सब समझ में आएगा, और तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा, मैं बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है बीड़ी की बैटल जल्दी आने वाली है, हाँ सामने खड़ा है भाई बंदा। ओ यस, दो सुपर पोशन अच्छा तुमने दे दिए भाई, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, इस पर यूज़ करो भाई, और इस पर यूज़ करो, इसकी बैटल तगड़ी हो सकती है भाई, देखते हैं क्या आता है इसके पास, मे बी अ लेजेंडरी क्वेश्चन मार्क। अभी तक तो हमारे किसी भी राइवल के पास लेजेंडरी आई नहीं है, विच इज़ गुड फॉर एस आई गेस, है ना? अरे भाई कितनी स्टाइल मारेगा, यू आर द जिम चैलेंजर एंडोर्स्ड बाय द चैंपियन आरंट यू, व्हाट अ जोक, यू आर अवेयर दैट चेयरमैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द चैंपियन राइट, आई वाज चूज़न बाय द चेयरमैन हिमसेल्फ सो दैट मेक्स मी मोर अमेजिंग देन यू, ऐसी बात क्या? आई सपोज आई शुड प्रूव बियॉन्ड डाउट जस्ट हाउ पैथेटिक यू आर एंड हाउ स्ट्रांग आई एम। बिल्कुल सरदार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करो। ग्रेट बॉल है इसके पास, देखता हूँ भाई क्या पोकेमॉन पकड़ा है इसने ग्रेट बॉल में अपने। भाई अगर तुझे ये ग्रेट बॉल में पकड़ना पड़ जा रहा है ना, तो आई थिंक वी शुड ऑल नो कि कौन ज़्यादा नूब है। नहीं 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 नहीं, ओ माय गॉड, ओके आई गॉट अ, ओ ओके स्पीड फेल, ओके आई गॉट अ स्विच माई पोकेमॉन मैन, मिस्टर निकल्स कैन यू डू इट, या फिर शुड आई टेक आउट सेज। वैसे तो कोई भी पोकेमॉन मेरा ढंग का नहीं है इसको हराने के लिए, बट अब कुछ तो भाई करना पड़ेगा, सो या आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू मैन, शुड आई फ्लेम चार्ज से वैसे कुछ होगा नहीं, बट आई विल जस्ट गो फॉर फ्लेम चार्ज, लेट्स सी। पहले वाले मैंने गलती से, ओ वेल दैट वाज अमेजिंग यार, ये तो काफ़ी सही था। ओके फ्लेम चार्ज, कम ऑन डू योर थिंग ब्रो, ऑसम ऑसम ब्रो ऑसम। अब क्या है भाई तेरे पास, किंगलर, चलो अच्छा है तूने पहले से ही बता दिया, बहुत अच्छा किया तूने, मिस्टर निकल्स को निकाला जाए ज़रा।
He ain't that tough, boy. He ain't that tough. He a noob, bro. He a complete noob. Metal Claw? Eh. Metal Claw ain't gonna do anything, bro. Hey, bichara Kekada. Feel bad for him. Oh, I feel actually bad for Ashes Kekada also. Bhai, Ashes bhi Kingler hai. पर पता नहीं कितने सालों से उसने देखा नहीं है उसको. सही में भाई बुरा लगता है, भाई दिल से बुरा लगता है भाई. पर सही में मेरे फेवरेट एपिसोड तो वही रहते थे जहाँ पे ओह शिट मैंने गलती कर दी यार, मैं देखा ही नहीं मैं कौन से पोकेमॉन से लड़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टोरी टाइम में लग गया था ब्रो. ओके नेवर माइंड, हम फिर भी इसको हरा देंगे. मैं बोल रहा था कि मेरे फेवरेट एपिसोड भाई वही थे जहाँ पर ऐश भाई अपने पोकेमॉन को जाके विजिट करता है या फिर लाइक कभी कभी अपने चार्जर्ड को लेके आता था ना वापस, तो बड़ा मज़ा आता था यार चार्जर्ड को देखने में, तो बड़ा मज़ा आता था. पर या लाइक दो वाज माय फेवरेट एपिसोड जब वो प्रोफेसर ओक की लैब पे जाता था और सारे पोकेमॉन देखते थे बल्बसॉर कैसे सबकी मदद कर रहा है. मैन दैट वाज ऑसम यार. आई एम श्योर टू इजी डिफीट यू इफ एंड व्हेन वी फेस ईच अदर इन एन ऑफिशियल मैच. नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट आई वोंट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन यू. आई हैव ऑलरेडी गैदर्ड एवरी विशिंग स्टार इन दिस एरिया. इज दैट सो बीडी? इज दैट सो? तो भाई विशिंग स्टार्स कलेक्ट करने का एक काम कर रहा था, रोज ने दे दिया था इसको काम. ओह वैसे हम लोग टर्फी ला चुके हैं, बहुत ही बढ़िया ब्रो, बहुत ही बढ़िया. आज का प्रॉमिस भी मेरा पूरा हुआ, मैंने बोला था टर्फील हम लोग आ जाएंगे और हम लोग आ चुके हैं. मैं यहाँ पे एनकाउंटर्स देख लेता हूँ थोड़े बहुत. आई एम गोना एंड द एपिसोड सून बट आई जस्ट वांट टू सी द एनकाउंटर्स. क्या आ रहा है यहाँ पर? डिगलेट आ रहा है ऑफ कोर्स. व्हाट एल्स कैन वी सी हियर? भाई डिगलेट्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ओके वेट, ओ ओ ओ ओ भाई हेलीकॉप्टर कैसे दौड़ के आ रहा है भाई मेरे पास? व्हाट द हेल, व्हाट द हेल ब्रो? ओके ये क्या स्कंक टैंक है ये तो, और ये क्या पीछे? ओके हिप्पोपोटैश है. लॉल मैन काफी सही पोकेमॉन आ रहे हैं भाई, मतलब पकड़ने लायक हैं. पर जैसे कि मैंने बोला भाई तीन चॉइसेस तुम्हारे पास, मुझे जरूर से बताना तुम्हें कौन सा पोकेमॉन लगता है कि हमें पकड़ना चाहिए. सबसे पहला सिल्वली या फिर इंटेलियन या फिर कॉस्मियम, जो नाम मुझे ज्यादा दिखेगा कमेंट्स में उसको मैं जरूर से पकड़ूंगा अगले एपिसोड में. सो यार बॉयज दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड. अगर तुम्हें मजा आया तो भाई बहुत अच्छी बात है, मेरे वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो गया. यू कैन लीव अ लाइक इफ यू वांट टू एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस द हेल आउट बॉयज.